नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ पूजा। आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। राजपूत परिषद जिला इंदौर द्वारा लगातार 16वीं बार अखिल भारतीय परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्काउट ग्राउंड में आयोजित इस सम्मेलन में भारत के अलावा विदेशों में रहने वाले युवक व युवतियों ने भागीदारी ली। कार्यक्रम संयोजक ठाकुर राम सिंह दीक्षित ने बताया कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी राजपूत परिषद जिला इंदौर राष्ट्रीय स्तर का परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों के अलावा दुबई से भी विवाह योग्य युवाओं ने रुचि दिखाई। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में निःशुल्क मास्क वितरण, सैनिटाइजेशन और सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखा गया। जब दो परिवार मिलकर शादी करते हैं 95% पर, जो अपनी इच्छा से शादी कर लेते हैं उनका 70% है। 30% कम है, 30% लोग आपस में झगड़ा करके अलग अलग हो जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ जो विवाह है, ये 16 हमारे बहुत ही बहुमूल्य, जिसे कहते हैं ना, वो कर्म क्रिया है, कर्म कांड है हमारा। ये जन्मों से लेकर मृत्यु तक पूरे के पूरे संस्कार है हमारे, 16 संस्कार। इसमें गृहस्थ जीवन का संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ पत्नी का देखना, नाड़ी दोष देखना, इसके वैज्ञानिक कारण है। जब ये देख के हम शादी करते हैं तो जो उनका वैवाहिक जीवन बहुत सफल होता है, और जब ऐसे ही कर लेते हैं तो फिर वो जो नाड़ी दोष वो अगर रहता है तो पारिवारिक संबंध मधुर नहीं हो पाते, कई बार गृहस्थ जीवन खत्म हो जाता है। मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय विजय सिंह परिहार जी, महू से आए लेफ्टिनेंट कर्नल आदरणीय सिसोदिया जी, जरा तालियां बजा कर उनका स्वागत करें। हमारे युवा नेता और करणी सेना के प्रदेश के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई जीवन सिंह जी शेरपुर, जरा तालियां बजा कर उनका भी अभिनंदन करें। जरा तालियां बजा कर राम सिंह जी को भी आशीर्वाद दें, उनकी पूरी टीम को भी आशीर्वाद दें। हमारे बीच में महेंद्र सुनगरा जी, माला जी के श्रीमान महोदय भी यहाँ पर उपस्थित, ऐसा हाँ तालियां बज जाएगा। आदरणीय मंच पर उपस्थित सभी परिषद के, राजपूत समाज के वरिष्ठ जन, नौजवान दोस्तों, सभी देवियों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। मैंने कहा था राम सिंह को कि बहुत मुश्किल है आना, हनुमान जी की कृपा से आज मैं आ गया, क्योंकि पितृश्वर हनुमान जी की प्रतिष्ठा आज के दिन हुई थी और वहाँ 16 लाख दीप दान आज होने वाला महायज्ञ, तो मैं उसी कारण आया भी। तुम्हें क्या राम सिंह, हनुमान जी ने तुम्हारे कार्यक्रम में मुझे बुला लिया, नहीं तो मैं आने वाला नहीं था आज। तो मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूँ। लगातार कितने वर्ष हो गए राम सिंह? 16 वर्ष में एक आध बार ही होगा कि नहीं आया होगा? 16 में से 14 बार आया है, 90% उपस्थिति है मेरी। आप में से बहुत कम लोगों की होगी 90% उपस्थिति। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम के साथ साथ एक समाज का यहाँ पर मिलना होता है, और आज के इस व्यस्तता के समय में व्यक्ति, हर मिडिल क्लास के व्यक्ति को पता ही नहीं लगता है कि अपने घर में बेटा जवान हो गया, बेटी जवान हो गई, उसके लिए बेटा देखना है, उसके लिए बेटी देखना है। फिर घर की जो माँ होती है, जो महिलाएं होती हैं, वो सोचती है अरे काम में व्यस्त रहते हो, देखो बेटी जवान हो गई, बेटा बड़ा हो गया, बहू लाना है। तो आदमी सोचते कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहा। देखिए, अच्छा व्यक्ति अच्छे व्यक्ति को समर्थन करता है, उसकी तारीफ करता है। विजय सिंह जी काफ़ी समाज सेवा करते हैं, और जब भी कभी अवसर होता है धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हमारे अशोक चांदी जी भी बहुत तारीफ कर रहे थे उनकी, कि लोग बोलते हैं कि विजय सिंह जी पहले बहुत कंजूस हैं, पर मैंने देखा भैया समाज के लिए बहुत करते हैं, धार्मिक आयोजन बहुत करते हैं। केला जी बताइए, बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, जहाँ पे श्री राम बोलने पर भी FIR दर्ज हो रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब तक ममता जी का राज था तब तक ये हुआ, आचार संहिता लग गई है,
और मैं हमने चुनाव आयोग से इस संबंध में निवेदन भी किया है और चुनाव आयोग हमें उम्मीद है कि जो राजनीति पुलिस विभाग में चल रही थी प्रशासन में चल रही थी वो समाप्त होगी और वो समाप्त होगी जब भी वहाँ निष्पक्ष चुनाव होंगे और मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग इसके ऊपर संज्ञान ले रहा है। बंगाल में पहली बार मतदाता खामोश दिख रहा है इसके बारे में आप कहेंगे? नहीं नहीं, बहुत बहुत चिल्ला चिल्ला के जय श्री राम बोल रहा है, खामोश नहीं है, एकदम बहुत जोर से बोल रहा है जय श्री राम जय श्री राम। टीवी जो चैनलों ने जो सर्वे कराया उसमें अभी भी TMC को ज़्यादा सीटें दे रहे हैं उसको लेकर आपके कहना? ये पेड सर्वे है, देखिए जिन्होंने सर्वे किया है उस समय लोकसभा में भी हमें 8 सीट दी थी, CTV का सर्वे है वो, तो उन्होंने पहले हमको 8 सीट दी थी लोकसभा में, हम 18 सीट जीते, कल उन्होंने हमको शायद 130 सीट दी है, तो हम उस हिसाब से 250 सीट जीतेंगे क्योंकि जब 8 की 18 होगी तो 130 की 250 हो जाएगी। आज पितृ पर्वत पे एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं? हाँ, वो भी ऐतिहासिक होगा, 16 लाख दीप का वहाँ महाकुंभ हो रहा है और निश्चित रूप से एक दिव्य दर्शन हनुमान जी के हम सब 16 लाख दीपकों के बीच में करेंगे क्योंकि हनुमान जी इस कलयुग में साक्षात देवता है और ऐसा उनको अजर अमर गुणनिधि सुतोह ऐसा अजर अमर रहने का आशीर्वाद प्राप्त है और हनुमान जी जहाँ पर भक्ति होती है वहाँ वो स्वयं प्रकट होते हैं। हमेशा लगता है कि जब 16 लाख दीप जलेंगे तो हनुमान जी वहाँ साक्षात प्रकट होंगे और आप सब दर्शन पे आएंगे। चुनाव के बाद ममता के गुंडों का क्या होगा, ममता जी के गुंडों का क्या हाल होगा चुनाव के बाद, बंगाल चुनाव के बाद? बंगाल चुनाव के बाद ममता जी के गुंडे उनको यथास्थान जहां रहना होगा वहां भिजवा दिया जाए। द नेटिजन न्यूज से सिटी रिपोर्टर साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लगातार खबरों के लिए बनी रहेगा हमारे साथ, नमस्कार।